मुद मंगलमयी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक पद के बीच में सद्गुरु कबीर ने एक पंक्ति कही है, आप सब उससे परिचित होंगे, फिर से याद करें और मनन करें। होए निःशंक मगन होए नाच्यो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सुरा कहा मरण से डरपे, सती न संचे भाड़ो। निःशंक होना और निर्भय होना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। करना क्या होगा इसके लिए? लोभ मोह और भ्रम का त्याग। आदमी के मन में अनेक बातों को लेकर के शंका होती है, संदेह होता है। कबीर साहब ने बीजक में साखी कही है, संशय सबजक खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना, जो शब्द विवेकी होए। संदेह ने सबके मन को कमजोर बना दिया है, खंडित कर दिया, तोड़ करके रख दिया है। लेकिन इस संदेह का निवारण कोई कर नहीं पा रहा है। संदेह का निवारण वही व्यक्ति करेगा जो शब्दों का विवेकी होगा। शब्दों का विवेकी होने का अर्थ क्या है? किसी भी बात को, चाहे वो बात किसी ने भी कही हो और वो बात कहीं भी किसी भी पुस्तक में लिखी हो, आंख मूंद करके नहीं मानना, तभी मानना जब वह बात तर्क सम्मत हो, विवेक सम्मत हो। प्रकृति में वैसी घटनाएं घटती हों और हमारा अपना दिल गवाही देता हो, तब वो बात मानने लायक है। किताबों में लिख देने मात्र से बात सच नहीं हो जाती है। किताबों में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है जिन्हें विवेक से, तर्क से कोई मतलब ही नहीं है। और किसी एक मत पंथ की बात में नहीं, हर मत पंथ संप्रदाय में ही ऐसी बात है। कबीर साहब ने अपने जमाने में उपलब्ध विभिन्न मत पंथ संप्रदायों में चलने वाले सारे भ्रम, अंधविश्वास और पाखंडों का, चमत्कारों का खुलकर खंडन किया। कहीं वो मुलाहिजा किए ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ आगे चल करके उन्हें कबीर साहब के नाम पर तमाम प्रकार के भ्रम की बातें समाज में चल पड़ी। अनेक प्रकार का अंधविश्वास जोड़ दिए गए, चमत्कार और पाखंड की बातें जोड़ दिए, और ये जोड़ने वाले वाले अपने को कबीर के प्रेमी या कबीर के भक्त मानते हैं। ये जितने भक्त होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। भक्ति भी चलेगी और अपने गुरु, अपने महापुरुष के नाम पर ऐसी ऐसी बातें कहते रहेंगे
जिन्हें उनके गुरु ने कभी कहा ही नहीं है, जिन्हें उनके गुरु कभी मानते ही नहीं है। तो पोथियों में लिख देने मात्र से कोई बात सच नहीं हो जाती है। सोचे, विचारें, और जब आपका दिल गवाही दे, तर्क गवाही दे, विवेक गवाही दे, तब माने। तो साहब कहते हैं, संदेह ने सबके मन को तोड़ करके रख दिया है। आदमी संदेहों का निवारण नहीं कर पा रहा है। निवारण कौन करेगा? जो शब्दों का विवेकी होगा। और यदि परस्पर में एक दूसरे के लिए संदेह है, तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पति को पत्नी पर संदेह है, पत्नी को पति पर, सास को बहू पर, बहू को सास पर, माता पिता को पुत्र पर, पुत्र को माता पिता पर, भाई को भाई पर, गुरु को शिष्य पर, शिष्य को गुरु पर। संबंध निभेगा कैसे? प्रेम से। जहां दूसरे के लिए संदेह संदेह भरा हुआ है, साथ रहते हुए नरक बना रहेगा सब कम्मन, पूरा परिवार और समाज। और संदेह थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के होता है, व्यर्थ की बातों को लेकर के। यदि विचार करें तो पता चलेगा, जिन बातों लेकर हम संदेह कर रहे हैं, उन बातों का कोई मूल्य नहीं। आदमी सोचता है कि जीवन का निर्वाह कैसे होगा, खेती डूब जाएगी, नौकरी चली जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा, तो जीवन कैसे चलेगा? ये विश्वास रखें, जीवन निर्वाह का यदि एक धंधा एक रास्ता बंद होता है, तो दूसरा धंधा दूसरा रास्ता अवश्य मिलेगा। आपको केवल खोजने की आवश्यकता है, धैर्य रखना है और परिश्रम करना है। सबका जीवन चला है, चलता ही रहेगा। करना क्या है? परिश्रम, मेहनत, धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पित भाव से। बस दुर्व्यसन से बच करके रहें, फिजूल खर्ची से बच करके रहें, फिर जीवन निर्वाह की कमी आपको नहीं होगी। जब जैसी आवश्यकता होगी वैसे आपको चीजें मिलती चली जाएगी। जरा विचार लें, बीते हुए जीवन में जिस चीज की आपको आवश्यकता हुई है, वो चीज आपको मिली है या नहीं मिली है? जब बीते हुए जीवन में मिली है तो आगे भी मिल जाएगी। लेकिन आदमी का अविश्वास है, संदेह है। और संदेह का मतलब होता है न हुआ दुख भोगना। अभी दुख आया नहीं है, लेकिन सोच सोच कर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, जो आपके प्रारब्ध में होगा, होगा, काम करते चलो बस। तो साहब यहां कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाच। निशंक हो करके, निसंदेह हो करके, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपरिचित आदमी पर भी विश्वास कर लो। विश्वास की आवश्यकता है, कम से कम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ जीवन गुजर होता है या काम करते हैं, उन पर आपका यदि अटूट प्रेम और विश्वास नहीं है, तो आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन नारकी बन जाएगा। मैं कहा करता हूं, संतों का निर्णय है। जैसे हम कई मकान बनाते हैं, दीवार जोड़ते हैं, दीवार कैसे जुड़ती है? ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं तो दीवार जुड़ती चली जाती है। लेकिन ईंट पर ईंट रखने मात्र से दीवार नहीं जुड़ती है। दो ईंटें आपस में जुड़ी रहे, एक दूसरे से अलग ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए गिलावा का प्रयोग किया जाता है, चाहे सीमेंट बालू मिला हो, चाहे मिट्टी मिला,
करो, जो भी हो, दो ईंट के बीच में आपको कुछ ना कुछ मसाला गिलावा गारा का जो भी कहते हैं वो रखना पड़ता है, तभी ईंट जुड़ती है। खाली ईंट से ईंट जुड़ जाए रख दो तो जुड़ जाए ऐसा नहीं है, दो चार दस ईंट रखोगे तो गिर जाएगी बाहर आकर, दीवार नहीं जो खड़ी हो पाएगी। दो ईंट के बीच में कोई मसाला होता है तो ईंट का आपस में पकड़ मजबूत बनी रहती है, तब दीवार खड़ी होती है। एक उदाहरण है, ऐसे ही आपको समझना होगा, हर आदमी समझना होगा। घर परिवार समाज में स्त्री पुरुष छोटे बड़े जितने भी सदस्य हैं सब एक एक ईंट के समान है। उनको जोड़ने का गिलावा मसाला क्या है? प्रेम और विश्वास। यदि आपस में दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आपकी गृहस्थी सुखद नहीं होगी, सामाजिक जीवन सुखद नहीं हो पाएगा। बाहर छोड़ दो, कम से कम अपने परिवार में विश्वास रखना तो सोचो, दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण की भावना तो रखो। ये भी नहीं है, सबके सब शिकायत में उलझे हुए हैं दूसरे के लिए। ये ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें काम नहीं आएगी। मंदिर में जो पूजा भक्ति करते हैं ये भी काम नहीं आएगी। अपने घर में कम से कम प्रेम विश्वास रखो। आप मंदिर जाते हो अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन क्यों मंदिर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? मंदिर में जाकर आप पूजा करते हो, इसका अर्थ क्या है? किसके लिए पूजा कर रहे हो? भक्ति करने का, पूजा करने का अर्थ होता है जीवन का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, कर्म और आचरण का परिवर्तन। कहीं परिवर्तन नहीं है, सब ऊपर ऊपर चल रहा है। मंदिर में जाकर पूजा करने का अर्थ होता है, पूजा का अर्थ हम समझ लें, मन का सरल कोमल और विनम्र बन जाना। और यदि मन कोमल सरल विनम्र नहीं है तो पूजा नहीं हो रही है, एक कर्मकांड में मशीनी क्रियाकलाप चल रहे हैं बस। तो मंदिर आप जाते हैं पूजा करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन देखें कि मेरे मन की जो क्रूरता है, कड़ता है, छल है, कपट है, कपट है, कुटिलता है, वक्रता है, ये सब दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यदि वक्रता, कुटिलता, कटुता, छल, कपट दूर नहीं हो रहे हैं तो कहाँ पूजा हो रही है? मंदिर को समझा ही कहाँ फिर आप, बस मन बहलाने के लिए जा रहे हो। ये धोखा में मत रहिए कि हम वहां जा करके मूर्ति सामने फूल चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, अगरबत्ती जला करके या दीपबत्ती जला करके आरती करें भगवान खुश हो जाएगा। कोई भगवान खुश नहीं होने वाला है। जब तक आपका मन सरल नहीं होगा और जब तक मन की वक्रता कुटिलता दूर नहीं होगी। अब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने का अर्थ है कि जीवन को हमें इस ढंग से जीना है कि हम जहां बैठ जाएं हमें एक मंदिर का एहसास होने लगे। मंदिर जाने का अर्थ है परिवार का, मन का और जीवन का मंदिर बनना। परिवार मंदिर कब बनेगा? तब आपस में प्रेम होगा, विश्वास होगा, समर्पण होगा, एक दूसरे के लिए प्यार की भावना होगी, तब परिवार मंदिर बन जाएगा। मन मंदिर बनेगा अच्छे विचारों से, सकारात्मक विचारों से। हर जो सोचिए सकारात्मक सोचिए, ज्ञान की, विवेक की, विचार की बातें, अच्छे विचार सोचना तो है। तो जब भी सोचिए अच्छा ही सोचिए, फिर आपका मन मंदिर बन जाएगा, मन के कालुष्य दूर हो जाएंगे। और जीवन मंदिर बनेगा अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से। यदि आपका परिवार, मन और जीवन मंदिर बन गया
फिर मंदिर जाओ या ना जाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहां मंदिर ही मंदिर है। लेकिन हम मंदिर बनाते चले जा रहे हैं, परिवार को, जीवन को, मन को मंदिर बनाने की बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं रही है। यदि मंदिर बनाने मात्र से और मंदिर जाकर पूजा करने मात्र से यदि परिवर्तन होता तो भारत में अब तक परिवर्तन तो हो गया होता, कम से कम हमारा जीवन तो परिवर्तन हो गया होता। भारत के आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे शहर में जाएं, चाहे गांव में जाएं, छोटे बड़े गांव हो, छोटे बड़े शहर हो, कहीं चले जाएंगे आप और जाकर आप एक सर्वेक्षण करिए, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जितने मंदिर हैं उसका दसवां हिस्सा विद्यालय नहीं मिलेगा आपको। इसी सूरत में गिनना करके देख लो, गली गली में देवता, गली गली में भगवान, क्या सूरत में, सूरत में अपराध खत्म हो गया है? झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, खल कपट, ये बात हम सूरत में है इसलिए कह रहे हैं। तो गली गली में देवता है, गली गली में भगवान है, गली गली में मंदिर है, जो गली गली में देवता भगवान बैठे हैं तो कम से कम चोरी तो बंद हो जाते हैं, चाहिए ना भी ये भगवान किस काम के लिए बैठा हुआ, आप लोग किसके लिए? पूजा तो करते चले जा रहे हैं लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। नवरात्र का महीना आता है चैत्र में और क्वार में, उस समय दुर्गा की पूजा होती है। चलो दुर्गा सरस्वती का प्रतीक है, पूजा करते अच्छी बात है, खास करके क्वार में जो नवरात्र का महीना आता है जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है और बड़े भक्ति भावना के साथ उस दुर्गा की जो मूर्ति बनाई गई है खूब पूजा अर्चना आरती वंदना, घर में जो दुर्गा है माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, उसके साथ व्यवहार कैसा है आपका, कभी सोचा है? मिट्टी की जो दुर्गा है जो न बोलती है न चालती है कुछ नहीं करती, उसकी पूजा करते हैं आप? पूजा करते करो, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन घर में जो साक्षात दुर्गा है, माँ, सास, पत्नी, बहू, बेटी, भाभी, ननन, भावत, जिनके साथ, उनके साथ व्यवहार कैसा है? दुर्गा की पूजा तो बहुत हो रही है, नाबालिग लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, सारे कुकर्म हो रहे हैं, कौन सी दुर्गा की पूजा है ये? कितना हम भटक गए हैं, ये समझ लें। जिस दिन हमारे देश में, देश के किसी भी हिस्से में आधी रात को भी एक सुंदरी युवती अकेली निर्भय होकर के गुजर जाओ, से कोई छेड़खानी ना हो जाए, उस दिन दुर्गा पूजा भारत में हो जाएगी। फिर आप मंदिर बनाओ या मत बनाओ, और आज तो दिन दहाड़े युवतियों को भयभीत होकर चलना पड़ता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, माँ बाप संदेह में रहते हैं कि बेटी विद्यालय गई है सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। दुर्गा पूजा बहुत हो रही है, तमाम पूजा हो रही है, कहाँ पूजा को हमने समझा है, कहाँ धर्म को हमने समझा है, भक्ति को, मंदिर को समझा है। मैं कह रहा था कि संदेह, संदेह एक ऐसा घुण है जो अंदर अंदर हमारे मन को चाल करके खोखला बना देता है, और संदेह है तो भय होगा। कबीर साहब कहते हैं, होए निःशंक मगन होए नाचो, निःशंक हो करके और मगन हो करके नाचो। तो यहां नाचने का हाथ पैर मटका करके जो नाचते हैं उसकी बात नहीं है,
नाचने का मतलब होता है कबीर साहब की दृष्टि में यहाँ पर जीवन के सारे कर्म व्यवहार। बीजक में उन्होंने एक साखी भी कही इस संदर्भ में, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी पर दीन हो ताश को तनमन बोले साच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का चोलना अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। ये पूरी विश्व सत्ता, ये प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है जिसके तन में, मन में, वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है। पलीबाग साहब कहते हैं इस साखी में, प्रेम के कपड़े का अंगरखा पहन कर बना करके पहनो। तो क्या प्रेम का कोई कपड़ा होता है? अर्थ है, साहब कहते हैं, जहां भी रहो सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और जो भी करो हर काम को प्रेम पूर्वक करो। किसी भी काम को, चाहे वो काम कैसा भी काम क्यों ना हो, जब हम निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पित भाव से करते हैं तो काम पूजा बन जाता है। सदगुरु कबीर ने यही कहा है ना, जह जह डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। यदि मन में प्रेम है, समर्पण है, निष्ठा है और मन पवित्र भावों में, पवित्र विचारों में डूबा हुआ है तो आपका चलना फिरना आना जाना सब परिक्रमा है। जिस आदमी का मन निर्मल है, पवित्र विचारों में डूबा हुआ है, जिसके मन से सारे गंदे विचार खारिज हो चुके हैं, निकल गए हैं, तो पवित्र विचारों में डूबा हुआ मन, ऐसा आदमी यदि खेत भी जा रहा है मानो भगवान की परिक्रमा कर रहा है, खलिहान जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, कारखाना जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि यदि आपका हमारा मन पवित्र है, निर्मल विचारों में डूबा हुआ है, न ईर्षा है किसी से, न द्वेष है, न घृणा है, न बैर है, न विरोध है, न छल कपट है, कुछ मतलब दूषित भावना मन में है ही नहीं, पूरी खारिज हो चुकी है, और पवित्र विचारों में, आत्मचिंतन में, ज्ञान विवेक विचारों में मन डूबा, सबके लिए प्रेम का भाव है, तो आप टॉयलेट जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो भगवान की। थोड़ी सी बात अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन ये हकीकत है। मतलब आपका चलना फिरना सब कुछ परिक्रमा है, और ऐसे पवित्र भाव से जो करोगे सब पूजा बन जाएगा। जो कुछ करो तो पूजा, साहब कहते हैं हर काम पूजा, हर काम पूजा है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर सकता, समझ लो वो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मंदिर में पूजा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो गंदा है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा मन मंदिर के बाहर तो गंदे विचारों में डूबा हुआ है, मंदिर जा करके ऐसा कोई ऐसा क्लीनर लगा देंगे कि मन वहां साफ हो जाएगा? मन तो वही रहेगा, और मन अच्छे विचारों में डूबा हुआ है, हर जगह मंदिर ही मंदिर है, ये पूरा संसार भगवान का मंदिर है। हम जो मंदिर बनाते हैं वो एक उपासना स्थल है, वहां जाकर लोग अपने अपने इष्ट की उपासना करते हैं, हर जगह उपासना नहीं की जा सकती, उसमें व्यवधान आ जाएगा, इसलिए हम उपासना स्थल बनाते हैं, वहां जाकर अपने इष्ट की याद करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उतने तक ही हमारा उपासना स्थल सीमित है, हमारी उपासना वहीं तक सीमित है। बाहर गए, निकल गए तो मन बदल गया, तो उपासना दिखावती है। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना में दो शब्द हैं, उप और आसना।
उप का अर्थ है निकट, आसना का अर्थ है बैठना, निकट बैठना। हम पानी के निकट बैठेंगे अपने आप शीतलता मिलेगी, आग के निकट बैठेंगे अपने आप उष्णता मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी। चोर के पास बराबर बैठिए और उसके बाद ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे चोरी करना सीख जाएंगे। वकील के पास बैठिए और बराबर उसकी बात सुनिए तो धीरे धीरे आपको वकालत का ज्ञान, कानून का ज्ञान, कानून की धाराओं का ज्ञान होने लग जाएगा। डॉक्टर के पास आप बैठिए और ध्यान पर उसकी बात को सुनिए तो आपको धीरे धीरे रोग का, रोग के निदान का, दवाई का ज्ञान हो जाएगा। जिसके निकट हम बैठते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन वैसे बन जाता है। ऐसे ही गुरु के निकट बैठते हैं, मंदिर में जाकर उपासना करते हैं, जिस महापुरुष का हम उपासना कर रहे हैं उसके गुणों के निकट, उनका जो उच्च आदर्श है, उच्च चरित्र है, उसके निकट अपने मन को बैठाना, यह उपासना है। ये नहीं कि फूल चढ़ा दिए, अगर बत्ती ला करके बस एक दो बार घुमा दिए उपासना हो गई, ये तो बाहरी है, औपचारिक है। असली उपासना जिसे हम इष्ट मानते हैं, किसी को भी, सबका इष्ट अलग अलग है, जिसे हम इष्ट मानते हैं, तो इष्ट क्यों मानते हैं? उनके कुछ गुणों के कारण, कुछ उज्जवल आदर्श, कुछ चरित्र, उदात्त जीवन, इनके कारण से हम इष्ट मानते हैं। तो उनके जो उदात्त चरित्र है, उज्जवल आदर्श है, उसके निकट अपने मन को बैठाना और उन आदर्शों को, उन चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, यह उपासना है। और इसी उपासना से जीवन में परिवर्तन आएगा। साहब कहते हैं, जो कुछ करो तो पूजा, मैं ऐसा बनाए, इतना समर्पण भाव हो मन में, श्रद्धा और निष्ठा भाव हो कि आपका हमारा हर कर्म हमारे लिए पूजा बन जाए, तो फिर देखें जीवन में कितना परिवर्तन होता, कितना आनंद की धारा प्रवाहित हो जाएगी फिर अपने आप। तो प्रेम पाठ का चोलना पहिर कभी रूनाच, सदगुरु कहते हैं ए लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। मतलब जिनके साथ भी व्यवहार करो, जिनके साथ भी रहना होता है प्रेम पूर्वक, और प्रेम में केवल देना होता है, लेना नहीं होता। जहां लेने की भावना है वहां व्यापार है, प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। प्रेम में सामने वाला हमारा जो प्रिय है वो हमारे केंद्र में होता है। प्रिय यदि केंद्र में है तो प्रेम अपने आप हो जाएगा, और केंद्र में हम अपने को रख लिए तो व्यापार शुरू हो जाता है। और हम हर जगह अपने को पहले केंद्र में, अध्यात्म में केंद्र में तो मैं सत्ता है, लेकिन व्यवहार में के केंद्र में सामने वाला व्यक्ति है, हमारा जो प्रिय है, जो दूसरा है वो है। क्योंकि व्यवहार और कर्म, जब हम व्यवहार में सामने को वाले केंद्र में रखेंगे, उनके साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार करेंगे, उससे हमारा मन जब कोमल बनेगा, विनम्र बनेगा, तब हमारे धर्म और अध्यात्म की साधना पूरी हो पाएगी। दूसरे को उपेक्षा करके साधना पूरी नहीं होगी, गलत व्यवहार करके, कड़ु व्यवहार करके, छल करके, धोखा दे करके, ना धर्म बनेगा, ना पूजा बनेगी, ना उपासना बनेगी, ना अध्यात्म की साधना बनेगी। इल्ल साहब कहते हैं कि प्रेम, कबीर साहब ने कहा भी है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो प्रेम पढ़ने का अर्थ प्रेम का व्याख्यान देना नहीं है, प्रेम को जीवन में उतारना है, जीना है। साहब कहते हैं प्रेम का कपड़ा पहनो और नाचो, मतलब प्रेम पूर्वक जीवन का व्यवहार करो। पानी पर दीन हो ताश को तनमन बोले साच, ये पूरी प्रकृति सत्ता किसके जीवन में चमक देती है? जिसके जीवन में तन मन वचन
में सत्य की प्रतिष्ठा है। सत्य, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का ज्ञान हो, सत्यता पूर्ण वाणी हो, सत्यता पूर्ण भावना हो और सत्यता पूर्ण आचरण हो, ये जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होना है। सबते साचा भला सब जो साचा दिल होए, ये कबीर साहब कहते हैं, यदि अपने दिल में सच्चाई है तो सत्य सबसे अच्छा है और सत्य ही तो ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं, वहां अनेक प्रकार तर्क वितर्क चल रहे हैं। उसी के बीच में वाल्मीकि रामायण के लेखक ने राम से कहलवाया है, सत्यमेव सर्वलोके सत्य धर्मा सदाश्रितः, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। इस लोक में, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण का लेखक यह नहीं कहते कि दुनिया में ईश्वर सत्य है, किंतु वे कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके आपको कोई ईश्वर मिलने वाला है नहीं। हम तो केवल कल्पना करते हैं और ईश्वर के नाम पर तमाम झूठी बातें भी कहते हैं। एक और भगवान की भक्ति भी चलती है और भगवान के नाम पर झूठी झूठी बातें भी चलती रहती है, तो भक्ति को कहां समझे, परमात्मा को कहां समझे। सत्य तो हमने दफना दिया और सत्य को ही दफना दिया तो परमात्मा को समझे कहां, भक्ति फिर कहां हो पाएगी। सत्यमेव सर्वो सत्यम एव ईश्वरो लोके, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्मा सदाश्रितः, सदा से धर्म सत्य पर टिका हुआ है, सत्य पर आश्रित है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ये गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। अब वाल्मीकि रामायण लेखक की कहता है धर्म सत्य धर्म सदाश्रित, सत्य को हटा दो तो धर्म कहां बचेगा फिर। लेकिन धर्म के नाम पर, जैसे ईश्वर के नाम पर झूठ है वैसे धर्म के नाम पर झूठ है। ही बातें, इतनी झूठी बातें कि जो बातें दुनिया में कहीं नहीं चलती है, झूठी बातें, वो झूठी बातें धर्म और भगवान के नाम पर बड़े आराम से चल रहा चल सकता है। और धर्म के मंच पर बैठ करके जितना झूठ बोलो उतने बड़े आप धर्मात्मा हो। जितने झूठ बोलेंगे उतनी आपको माला पहना जाएगी, उतनी आपको दक्षिणा मिलेगी, अब फिर तो कहना ही क्या है। और सच बोलोगे ना सब उठ करके चल देंगे, सुनने वाला है नहीं कोई। ऐसी ऐसी झूठ की बातें कहना क्या है। कोई कह दे आपको कि आज सूरत में अमुक हॉस्पिटल में एक महिला को एक साथ 15 बच्चे पैदा हुए हैं, कहेंगे यार गप क्यों मारते हो, गप्पी, ये हो नहीं सकता। लेकिन कह दिया जाए कि भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि राजा सगर की पत्नी सुमति को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए, हाँ सच है, भगवान भागवत में लिखा है ना, तब सच हो सकता है। झूठ के सर कैसे लिखेगा। भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है, राजा परिवर्त कहीं जा रहे थे तो बैठे थे किस पर, रथ पर बैठ करके जा रहे थे, तो उसका रथ इतना भारी था, उसके रथ के पहिए समुद्र में जमीन में धंस गए, उसी से ये 7 समुद्र बन गए हैं। अब पता नहीं रथ कितना बढ़ रहा होगा, वो कहां जा रहा था, तीन हिस्सा तो समुद्र है, और घोड़ा कितना बड़ा रहा होगा भाई उसको।
गर्ग संहिता में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण एक गोपी को लेकर के कहीं चले गए एकांत कुंड में। राधा और अन्य गोपियां बहुत नाखुश हुई, क्या हुई कि वही गोपी बहुत प्रिय है, चलो हम लोग लड़ने के लिए। तो एक रथ बनाया गया, उसमें 5 अरब गोपिकाएं बैठी थी, 5 अरब गोपिकाएं। सच हो गया ना, चूंकि गर्ग संहिता में लिखा, भगवान के नाम पर लिखा है। तो जो झूठ कहीं नहीं चलता, हमारे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, प्रातः समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भय उजियारो। हनुमान जी पैदा हुए थे, भूख लगी, देखा कि पूरब में सूरज उगा हुआ, कूदे हनुमान जी और सूरज को निकल गए बेचारे। अब झूठ कैसे होगा, गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लाखों गुना बड़ा है, उसे कोई आदमी निगल कैसे सकता है। वो स्वामी जी ने भी लिखा है मानस में, मैं आलोचना की दृष्टि नहीं कह रहा हूं, लेकिन धर्म के नाम पर ये लिखा है कि जब राम का जन्म हुआ और अयोध्या में राम और चारों भाइयों के जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो इतना सुंदर सजा के, इतना आनंद, इतना सब कुछ था कि वहां के आनंद को देखकर, वहां सजावट गहमा गहमी देकर के सूरज घूमते ऊपर चढ़ते चढ़ जब आया तो अयोध्या ऊपर आया तो वहीं रुक गया, क्योंकि राम का परिवार सूर्य का कुल था। तो मेरे कुल में भगवान ने जन्म लिया है, आनंद मना तो सूरज एक महीना वहां रुक गया। प्रात गोस्वामी जी ने लिखा है, रथ समय तो रवि था कि निशा कौन विधि होए, रथ समय एक महीना तक वहां रुक गए, रात हुई ही नहीं, एक महीना तो रुके रहे। तो निवेदन यह है, जब रात हुई नहीं पता कैसे चला एक महीना हुआ, जब रात होगी दिन होगा तब गिनोगे, एक दिन दो दिन चार दिन तब पता चलेगा ना कि हाँ एक महीना हुआ, और तो रात तो हुई ही नहीं, गिनो आपने गिना कैसे, घड़ी कोई दूसरा रहा रही होगी। ऐसे में एक बात, और कबीर साहब के नाम पर, तो कबीर साहब नाम पर कम थोड़े लिखा गया है, ऐसी झूठी झूठी बातें कबीर साहब के नाम पर भी लिख दी गई है कि हद है। मैं कह रहा था कि जो झूठ कहीं नहीं चलता, वह झूठ धर्म और भगवान के नाम पर बड़े आराम से चलाया जा सकता है। तो जहां झूठी है वहां कहां धर्म, कहां भगवान, कहां सत्य। तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि सत्यमेव सर्वलोके सत्य धर्म सदाश्रिता, इस लोक में इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है, धर्म सदा से सत्य पर टिका हुआ है। सत्य मूलानि सर्वानि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, सबका मूल सत्य है। सत्य नास्ति परम पदम, और सत्य से बढ़कर के कोई परम पद है नहीं। सत्य सर्वोच्च परम पद सत्य है। तो सत्य क्या है, मैंने निवेदन किया आपसे, जो जैसा उसको वैसा, तथ्य बोध सही ज्ञान, सत्य ज्ञान। हमारा ज्ञान सत्यता पूर्ण होना चाहिए, और सत्यता पूर्ण ज्ञान कौन ज्ञान है, जो ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, विवेक के अनुकूल हो, जिस ज्ञान में अंधविश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, मिथ्या महिमा ना हो, पाप काटने के लिए सस्ते उपाय ना हो, वह ज्ञान सत्य ज्ञान है। अब कौन ऐसा ज्ञान हो सकता, स्वयं विचारिए, कौन कहता इसकी चिंता नहीं है। ऐसा ज्ञान चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, जब तक हमारा आचरण भी उस सही ज्ञान के अनुसार न हो और हमारी मनोभावना भी सत्यता पूर्ण न हो। आपस का जो व्यवहार है,
आपस की जो बातचीत है वो भी सततापूर्ण ना हो, तो कम से कम आपस में सततापूर्ण हम बात करें, भावना सही रखें, आचरण सही रखें, बस फिर कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अनेक बार आपने सुना होगा, गुरुदेव जी भी कहा करते थे इस मंत्र को, मधुवाता रितायते मधुचरन्ति सिंधवः माध्वीरनः संतोषधीः। ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है, 2000 से ज्यादा गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में, ये भी एक गायत्री मंत्र है। ऋषि कहते हैं मधुवाता रितायते, रितायते जो रित के पद पर चलता है, रित का मतलब है नियम और रित का मतलब है सत्य, सत्यम च रितम च, ये बार बार आता है ऋग्वेद में। तो जो सत्य के पद पर चलता है, रित के पद पर, नियम के पद पर चलता है, उसके लिए मधुवाता, ये हवाएं मधु बहाती हैं, मधु धोती हैं, माधुरना संतोषधि, नदियां मधु बहाती हैं, नहीं बरसाती हैं, और माधुरना जो सिंधु मधु आते रहता है, मधु छरंती सिंधवा, और नदियां मधु बहाती हैं, मतलब जो नियम से चलता है, सत्य के पथ पर चलता है, जिसके जीवन सारे कर्म कर्म नियम पूर्वक सत्यता पूर्ण है, उसके लिए हवाएं मधु धोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं, और वनस्पतियां मधु बरसाती, मतलब उसके लिए पूरी प्रकृति कल्याणदायिनी, कल्याण वर्षिणी, मधुवर्षिणी बन जाती है। लेकिन हमें सत्य पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हम भीतर से कमजोर हैं, लोभ है मन में, मोह है मन में, भ्रम है मन में, विषयों की आसक्ति है मन में, सुख का भ्रम है मन में, और जितना हम भीतर से कमजोर होंगे, हमारे भीतर आसक्ति होगी, विकार होगा, उतना हम भीतर से कमजोर होंगे, हमें सत्य के पद पर, धर्म के पद पर चलने का साहस नहीं होगा। और यहीं से ही भटकाव शुरू होता है, यहीं से ही जब हम भीतर से कमजोर होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, आदतों का सुधार नहीं करना चाहते, तो यहीं से शुरू होता है धर्म और भगवान का, गुरु के नाम पर मिथ्या महिमा। ये पूजा कर लेना, ये पाठ कर लेना, ये नाम जप लेना, ऐसी माला फैलेना, तुम्हारे पाप करते चले जाएंगे, तुम आज सुखी रहोगे, आगे सुखी रहोगे। कमजोर आदमी ही जो भीतर से आसक्त होगा, जिसके मन में अधिक लोभ मोह वासना होगी, वही आदमी सस्ते उपाय का सहारा लेगा, और जिसे जो भीतर से मजबूत है, जिसे अपने साहस पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी साधना पर, अपने त्याग पर, अपने कर्म और आचरण पर विश्वास है, वह आदमी कभी भी सस्ते उपाय के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह आशीर्वाद चक्कर में नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारा शुभ कर्म, हम शुभ मार्ग में चलें, शुभ कर्म करते चलें, पूरी दुनिया का आशीर्वाद हमारे लिए रहेगा, हमें मिलता रहेगा। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीजों को देख करके बहक जाते हैं, लोभ में, मोह में, वासना में, आदत में, और जगह जगह गिराते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज आशीर्वाद दे दो। ये समझ लीजिए कि सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, केवल एक आदमी का आशीर्वाद नहीं है, कौन? हम स्वयं। और जब हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर हो जाएगा, तब किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, सबका आशीर्वाद काम करेगा। और जब तक हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होगा, तब तक किसी का आशीर्वाद काम करने वाला है नहीं। इसलिए सस्ते उपाय के चक्कर में मत पड़िए। कोई हमारे पाप को काटने वाला नहीं, कोई आपके पाप को काटने वाला नहीं है। आपने हमने पाप किया है, चाहे जानबूझकर किया हो, चाहे जैसे भी किया हो, लोभ में किसी के लिए भी किया हो, वो पाप का फल हमें भोगना ही पड़ेगा, कोई काट नहीं पाएगा।
परिवार के लिए पाप करेंगे परिवार छूट जाएगा, धन के लिए पाप करेंगे धन छूट जाएगा, मठ आश्रम के लिए पाप करेंगे मठ आश्रम छूट जाएंगे, गद्दी महंती के लिए पाप करेंगे गद्दी महंती छूट जाएगी, लेकिन पाप के संस्कार तो नहीं छूटने वाला है, उसको फल भोग तो भोगना ही पड़ेगा, कोई सहायक नहीं होगा उस समय। इसलिए बहुत सावधानी से कर्म करने की आवश्यकता है, सत्य के पद पर चलें। सत्य के पद पर चलने में कठिनाई तो आएगी, तो क्या झूठ के पद में कठिनाई नहीं है क्या? झूठ बोलने वाले आदमी को हमेशा भयभीत रहना पड़ता है कि मेरा झूठ खुल न जाए, मेरे झूठ को लोग समझ ना पाए, लेकिन सत्य बोलने वाले आदमी को भयभीत नहीं रहना पड़ता, वो तो बाहर जैसे बाहर वैसे भीतर, उसे भय किस बात का? जितना हम भीतर से कमजोर होंगे उतना ज्यादा झूठ बोलेंगे और उतना ज्यादा भयभीत रहेंगे, और भीतर से जितना मजबूत रहेंगे उतना निर्भय रहेंगे और उतना हम सत्य के पद पर चढ़ सकते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सांचे श्राप न लागे सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको काह न साए। सत्य को किसी का श्राप नहीं लगता है, सांचे श्राप न लागे सांचे काल न खाए, सांच को काल खा नहीं सकता। धर्म के नाम पर श्राप और वर की कहानियां भी बहुत चलती है, ये केवल लोगों को धमकाने के लिए और फुसलाने के लिए है। आप सत्य के पद पर चले, किसी का श्राप आपको लगने वाला नहीं है, और झूठ के पद पर चलेंगे तब किसी का वरदान भी आपको काम आने वाला है नहीं। तो सांचे श्राप न लागे सांचे काल न खा, सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सत्य को किसी का श्राप नहीं लगता, सांच को काल खा नहीं सकता, सांचे ही सांचा जो चल रहे, जो हमेशा सत्य के पद पर चलता है उसको कौन नष्ट कर सकता है, वो अमर हो जाता है। मैंने कही थी सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति शुरू में, होए निशंक मगन होए नाचोक लोभ मोह भर छाड़ो। साहब कहते हैं मैं निशंक होकर के निसंदेह होकर के, निसंदेह कब होंगे? जब शुभ मार्ग में चलेंगे, हमारा खाना पीना चलना फिरना काम धाम बात व्यवहार सोचना विचारना सब कुछ शुभ होगा, अपने कर्म पर और अपने प्रारब्ध पर जितना हमें विश्वास होगा उतना हमारा मन निस्संदेह होगा। संदेह से संदेह बढ़ता है, विश्वास से विश्वास बढ़ता है। इसलिए सत्य के पद पर चलें, धर्म के पद पर। धर्म और सत्य अलग अलग नहीं है, धर्म और सत्य नैतिकता सदाचार ये तो धर्म है। इस पद पर चलेंगे, अपने बाहुबल पर का भरोसा रखेंगे, अंदर आत्मविश्वास है, फिर संदेह किस बात का? क्या छीन लेगा हमारा कोई? यदि हमारे तकदीर में है छीन करके मिल जाएगी, नहीं है मिल करके छूट जाएगी। ये केवल कहावत नहीं है, इससे ये हकीकत भी है और इससे हमारे मन का बल बना रह जाता है। साहब कहते हैं भीतर जो तुम्हारे मन में कमजोरी है, स्वार्थ भावना है, अहम भावना है, लोभ भावना है, यही तुमको कमजोर बना रहा है। ये सारी भावनाएं कमजोर बना रही है। इन भावनाओं को छोड़ दो, निस्वार्थ भाव से सबके साथ प्रेम करो, सेवा करो और सदैव शुभ मार्ग में चलो। कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को तभी समझा जा सकता है। साहब ने कहा है जीवन, हाँ, तब समझा जब जीवत मुआ। जीवन समझ में कब आया? जब जीते जी मर गया। ये जीते जी मरना क्या है? अहंकार को, कामना को, तृष्णा को, लोभ को, मोह को मार डालना, पूर्ण विनम्र बन जाना, निष्काम बन जाना, निस्वार्थ बन जाना, ये जीते जी मरना है। और तब जीवन की हकीकत समझ में आएगी, तब अपनी हकीकत समझ में आएगी।
स्वार्थ रख करके, अहंकार रख करके, न हम अपने को समझ सकते हैं, न दुनिया को समझ सकते हैं, न जीवन का मूल्य समझ सकते हैं, तो हमेशा भय भय भय, सरलता, निष्कपटता, विनम्रता और सत्य का मार्ग, ये हमारे लिए सबके लिए सुखद मार्ग है। इस मार्ग पर शुरू में कठिनाई जान पड़ेगी, लेकिन अंत में इसका परिणाम आनंददायक और कल्याणदायक होगा। इसलिए स्वार्थ भावना, अहम भावना, कपट भावना, छल भावना, देह भावना, सबको छोड़ करके धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, सदैव शुभ कर्म करते रहें, जीवन में आनंद आनंद होगा, जीवन का मूल्य समझेंगे और हमारा माना जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। हेलो, बोलिए। सद्गुरु देव की जय। तीन दिनों का सत्संग कार्यक्रम, आज यह समापन सत्र, इस अवसर पर पूज्य श्री साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। जो कुछ हम सुनते हैं, इन बातों को हम जीवन में प्रयोग करें तो फिर वो लाभ मिलेगा। केवल औपचारिकता कि चलो सत्संग में जाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं इसलिए जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए, सुन लिए और फिर जैसा थे पहले वैसा ही रह गए, तो फिर वो फायदा कुछ नहीं मिलेगा। इतना ज़रूर है कि आप सत्संग में आएंगे तो उस समय तक तो अच्छा ही रहेगा, वहाँ से जब अंदर आते हैं तो एक अच्छी भावना तो होती ही है, ये तो सही है, और सुनते वक्त तक भी अच्छा लगता है, मन में ये भी होता है कि नहीं नहीं इसको करना चाहिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन और सबसे बढ़िया क्या होगा, जो सचमुच जो आप सुने उसको आप प्रयोग करने लग गए तो उसका पूरा लाभ होगा। ये कार्यक्रम बस थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है, अभी